दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 83 कोविड अस्पताल हैं, इनमें 8,575 बेड हैं। आंकड़ों के अनुसार 4,413 बेड पर मरीज हैं, जबकि 4,162 बेड खाली हैं। यानी जितने बेड हैं उनमें से 50% से भी कम ही खाली हैं। 83 कोविड अस्पतालों में 9 सरकारी और 74 निजी अस्पताल हैं। सरकारी की तुलना में निजी अस्पतालों पर ज्यादातर बेड पर मरीज हैं। निजी अस्पतालों में 2,887 बेड हैं, इनमें से अब 937 यानी 32.5% बेड ही खाली हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों के 5,678 बिस्तरों में से 3,215 यानी 57% खाली हैं। दिल्ली में मौजूद 518 वेंटिलेटर बेड में से 251 पर मरीज हैं, जबकि 267 बेड ही खाली हैं। इन सब के अलावा 7 जून तक कोविड हेल्थ सेंटर में 101 और कोविड केयर सेंटर में 4,474 खाली बचे हैं। सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी यानी CDDEP की रिपोर्ट बताती है कि देश में सिर्फ 69,264 अस्पताल हैं। इनमें से दिल्ली में 176 अस्पताल हैं, जिनमें 109 सरकारी और 67 प्राइवेट हैं। यहां अस्पतालों के साथ डॉक्टरों की भी कमी है। 30 सितंबर 2019 को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में बताया था कि देश में 12 लाख के आसपास एलोपैथिक डॉक्टर हैं। इनमें से दिल्ली में सिर्फ 24,999 डॉक्टर हैं। सबसे ज्यादा 1,79,783 डॉक्टर महाराष्ट्र में हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 1,38,821 डॉक्टर हैं। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में दिल्ली देश में तीसरे नंबर पर है। 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की आबादी 1,98,00,000 के आसपास है। दिल्ली में मामले भले ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु से कम हैं, लेकिन यहां 10 लाख की आबादी में से 1,460 लोग संक्रमित हैं। यह आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा है। वैसे राज्यों की बात करें तो दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जहां हर 10 लाख लोगों में से सबसे ज्यादा 12,714 लोगों की जांच हो रही है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां हर 10 लाख में से 7,834 लोगों की जांच हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट।